बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में आ रहा हूँ और आप लोग पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं। उसी के साथ साथ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों की तरफ से फरमाइश आ रही थी कि अपनी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के साथ अपने इस हवाले से वीडियोज़ जो हैं अपलोड किए हैं। तो उस सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं रमज़ान के बाबरकत महीने से, और इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के जो वीडियोस हैं वो अपलोड होते रहेंगे और आप लोग उससे इस्तेमाल उठाते रहिए। सहरी के हवाले से आपको बताएं कि सहरी में हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है कि बहुत हैवी डाइट इस्तेमाल कर ली जाती है, जिसकी वजह से बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाता है। उसमें होना ये चाहिए कि हेल्दी और अच्छी डाइट इस्तेमाल की जाए जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। रमज़ान का असल मकसद ये है कि हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, और डिटॉक्सिफिकेशन जो उनसे आजकल के ज़माने में बड़ी हिट हुई हुई है, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला ने ये 1400 साल पहले हमें बता दिया कि बॉडी को साल में एक दफ़ा डिटॉक्सिफाई ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें मुरग़न ग़िज़ाओं से परहेज़ के साथ साथ कुछ अच्छी हेल्दी चीज़ों को इजाफा किया जा सकता है। इसमें हमें ये करना होगा कि मैं आपको एक स्मूदी बता रहा हूँ जो कि आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये कीजिए कि अगर आपका दिल नहीं भरता कि पराठे के बगैर या किसी चीज़ के बगैर सहरी पूरी नहीं होती, तो आप इसमें आधा अपनी रेगुलर डाइट कर दीजिए और एक गिलास स्मूदी ऐड कर दीजिए, तो आपको पूरे दिन कमज़ोरी वीकनेस फील नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स ऐसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्लो रिलीजिंग है और बॉडी में एकदम एनर्जी बूस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म स्लो रिलीज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम अपना काम भी। इसमें हम ले रहे हैं जौ का दलिया। ये याद रखिएगा कि ये जौ जो है ये बारले ले रहे हैं हम, ओट्स नहीं ले रहे हैं। जब बारले जो उनसे है, जौ जो उनसे है, यह तिब्बे नबवी के हवाले से भी बहुत अच्छा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा का हिस्सा रहा है, तो इसलिए इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए और नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके साथ हम एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है साबूदाना। साबूदाना जो उनसे है ये कार्बोहाइड्रेट्स है प्योर, और ये एकदम आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के साथ साथ ये भी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट गेन करने के लिए। दूसरा ये कि साबूदाना जो उनसे है प्रेगनेंट वुमेन्स को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, बर्थ डिफेक्ट्स को ये कंट्रोल करता है। इसमें थोड़ा सा साबूदाना चला गया। अच्छा, इसमें हम डालेंगे, क्योंकि ये स्मूदी हम बना रहे हैं सहरी के लिए, तो इसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं है, ये याद रखिएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों की कमी बेशी कर सकते हैं। इसमें हम 3 से 5 खजूरें डाल देंगे मीठा करने के लिए। इसमें हम किसी तरह की चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसमें हम डाल रहे हैं दूध। अच्छा, अगेन दूध जो सा है वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बेहतर है कि आप इसमें वैरायटी लेके आएं। इसमें आप आलमंड ऑयल आलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा रेगुलर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। किसी भी नट का यूज़ करेंगे तो उसके भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये स्मूदी तैयार हो रही है, और इसकी स्मूदी की कंसिस्टेंसी आपने ऐसी रखनी है जो पी जा सके। इसमें जौ का दलिया और साबूदाना दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो फूलती हैं, आप थोड़ी देर इसको रखेंगे तो ये फूल जाती हैं, तो इसलिए इसका आपने कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जो इजीली आप पी सकें। ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेते हैं और इसको एक दफ़ा और ब्लेंड कर लेते हैं। हमारी बारले एंड साबूदाना स्मूदी तैयार हो गई है। इसको आप सहरी में पीजिए और पूरा दिन अपनी थकावट और कमज़ोरी को भूल जाइए। जी जनाब, अब हम शुरू करते हैं इफ्तारी के हवाले से। इफ्तारी में हम अमूमन ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी एकदम पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी और हब्स का मौसम है, तो इसमें यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, लेकिन इसमें एहतियात कीजिए।
बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान पहुंचा देता है। हमारे बॉडी से बहुत सारे फ्लूइड्स निकल चुके होते हैं पसीने की वजह से, तो उसको कवर करने के लिए हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रहे हैं जो कि है लीची लेमनेड। लेमनेड यानी सिकंजमीन, लीमू पानी, हमारा बड़ा ट्रेडिशनल सा एक ड्रिंक है, लेकिन उसमें हम वैरायटी लेके आ रहे हैं लीची की। तो उसमें हम ये करेंगे कि हमने डाला लेमनेड, सिकंजमीन, और एक अच्छा कप हमने भर के लीची के ये पल्प है इसके छिलका उतार के गुठलियाँ निकाल ली हमने, और ये लीची हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये एक कप लीची गई। उसके बाद हम इसको अच्छा, इसको कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बारीक ना कीजिए, हल्के हल्के से जब लीची के चंक्स आपके मुंह में आएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और अच्छे लगेंगे। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको लीमू के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं साथ साथ वो तो है ही, आप सबको मालूम है। लीची जो है, लीची की अगर आप इसको इस वक्त महसूस नहीं कर सकते, आप बनाएंगे तो महसूस करेंगे कि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अरोमा आता है। वो अरोमा जो है आपके नर्व्स को काम डाउन करता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा फ्लूइड बैलेंस है। अतः हमारे पूरे दिन में रोज़े की वजह से, पसीना निकलने की वजह से जो फ्लूइड बैलेंस ख़राब हो जाता है बॉडी का, लीची उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लेती है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, सीजनिंग अपने हिसाब से कर लीजिए, उसकी कोई पाबंदी या कैद नहीं है, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट जो है हमारे वो लीची और लेमनेड। अच्छा, इसके साथ अब हम आपको जो दो चीज़ें हमने बनाई हैं, ये हमारी बनी है एक स्मूदी जो कि बार्ले साबुदाना स्मूदी है, और ये हमारा लीची लेमनेड। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि सहरी में अगर आप हमारी ये स्मूदी स्टार्ट करते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, ये एक ग्लास उनसे ये आपका एक कंप्लीट मील है, ये बिल्कुल एक मुकम्मल मील है आपका। और ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान तक आप इस्तेमाल कीजिए, अगर आप इसको अपने नाश्ते का हिस्सा बना लेते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको बोन्स के प्रॉब्लम, आपको मसल्स के प्रॉब्लम, आपको नर्व्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। और बार्ले जो उनसे है वो आपको शायद मालूम हो या ना हो, मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि एस्थमा पेशेंट्स के लिए बार्ले जो उनसे है वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो हो गई हमारी इसकी क्वालिटीज़। अच्छा, ये जो लेमनेड है, कोशिश कीजिए कि लेमनेड का इस्तेमाल जो उनसे है अपनी आम ज़िंदगी में भी रखिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक से बचाता है। आजकल आपने पिछले साल भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल आए थे कराची में ख़ास तौर से, जो हीट स्ट्रोक के हवाले से थे। तो अगर हम दिन में 1 से 2 दफ़ा लेमनेड, लीमू पानी, सिकंजमीन का इस्तेमाल करें, तो हमारे बदन के जितने भी मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जितने भी ये मिनरल्स वेस्ट होते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं किसी हवाले से भी, चाहें हेल्थ के, ब्यूटी के हवाले से। फेसबुक आईडी चल रहा है, आप उसके ऊपर अपने कमेंट्स, सजेशंस दे सकते हैं, और जिस चीज़ के बारे में आप चाहेंगे उस चीज़ के बारे में हम आपको टिप्स और सजेशंस वीडियो के ज़रिए पहुंचा दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।